हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का रविपाल ब्लॉग में आज फिर से स्वागत है। और देखिए, सुबह का टाइम है, सुबह के बजे है 8 और सारे काम जो है घर के हो चुके हैं, क्लीनिंग वगैरह। और आज मैडम ने ड्रेस चेंज कर ली है पूरी और हमने भी ड्रेस चेंज कर ली है क्योंकि आज होना है हवन, यानी कि हमारी जो लड़की है आर्णी का, वो हो चुकी है 21 दिन की। तो होम बोलते हैं, तो होम बोलते हैं, तो होम होगी आज। वैसे तो 5-7 दिन की करवा दे, लेकिन श्राद्ध की वजह से हम करा रहे हैं। अब जो 21 दिन की नवरात्रों में शुभ माना जाता है। और पूजा वगैरह बोल रहे कि आपने पूजा कैसे कर ली, तो हमने पहले ही सामग्री कर ली थी, पंडित से हल्की हल्की सी करा ली थी, जिससे कि हम पूजा पाठ कर ले थोड़ा बहुत। और आज होने वाला है हवन और सारा काम रेडी है, एकदम तैयार है। और हवन जो है इसी रूम में होगा, इस साइड में। ये रहा सामान, यहाँ पे तैयारियां चल रही है, पंडित जी आने वाले हैं। यहाँ पे सामान रखा हुआ है सारा, और जो जो पंडित जी बोलेंगे वो हम सामान उन्हें देते रहेंगे। तो तैयार हो गए। और ये वाला सूट मैं पहनना नहीं चाह रही थी क्योंकि अभी थोड़ा कम्फर्टेबल नहीं लगता, लेकिन इनकी पसंद का ये सूट है, इन्हें बहुत पसंद है। तो इन्होंने बोला कि मैं कुर्ता डाल लूंगा आज, और तुम ये स्कर्ट वाला सूट डाल लेना। और अर्णिका का भी थोड़ा मेरा मैचिंग का ही है, बिल्कुल थोड़ा क्या, सारा ही मैचिंग का है। जो उनसे अर्णिका कपड़े पहन ली हीरोजी कलर के, काम में लगी हुई है सुबह से 4 बजे की उठी हुई है मम्मी, और सारा काम करने लग रही है। और खाना वाना भी बनाना है, कुछ खाना बन चुका है जो पंडित जी के लिए बनाना है, और लेकिन खाना खा के जाएंगे पंडित जी, और कुछ बाकी रह गया है। जब तक पूजा पाठ करेंगे तो तब तक मम्मी थोड़ा बहुत जो खाना बाकी रह गया वो बना लेगी। तो देखिए, आज हमने बेड शीट चेंज कर दी है, और इसकी जो चद्दर थी वो भी उतार दिया। कमेंट आते रहते हैं कि आपने क्यों लगा के रखा। तो मम्मी भी रेडी हो चुकी है, और मम्मी ने सुबह ही पूजा कर ली थी। ये देखिए, मिली मम्मी से। और मम्मी, हेलो। और काम में इतनी बिजी है मम्मी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। और मम्मी का अकेली ही सारा काम कर रही, घर का काम पूरा संभाल रही, और थोड़ी बहुत ही कर दे ये भी हेल्प। लकड़ियां लेके आ गए हैं, और पापा जी ले आए थे। पापा लाए सुबह, कल लाए थे। ये तो मम्मी ने 2-3 दिन की मंगा के रख रखी, आम की लकड़ियां। सो गई है अपने दादू की गोद में, क्योंकि बारिश वगैरह होती रहती है, फिर सूखी लकड़ियां नहीं मिलती, कभी भी हो सकती है। तो इस वजह से मम्मी ने 2-3 दिन पहले ही मंगा के रख ली थी ये आम की लकड़ियां। तो जी, बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक, और जब हमन होगा जब दिखाएंगे हम आपको। और देखिए फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, सुबह आज होने वाली है हमारे यहाँ पे पूजा, और जो है घर के है जो सारे काम सुबह 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 उठते निपटा दिए थे, झाड़ू पोछे वगैरह से लेके हर चीज तक। और मैं हो चुका हूँ रेडी, और श्यामा गोरी और जनार्दन, जनार्दन तो चला गया है, मंगलू है यहाँ पे, मंगलू बैठा हुआ है। और अर्णी का जो है अपने बब्बा जी गोद में है सुबह से ही, ये भी सुबह नहा धोली थी, तैयार ये रहे, और ये खेल रही है और देख रही है, उठी हुई है, अब तो मेरी साइड ही देख रही है। और निन्नी निन्नी भी आती है बाजी पर, और पापा जी खिला रहे हैं इसको सुबह से ही, 1.5 घंटा हो गया, दूध वगैरह इसको पिला दिया था, और सारे काम हो चुके हैं। अब है हमन की तैयारी, हमन होगा यज्ञ, यानी कि सभी के कमेंट आए हुए है आपके कि हवन नहीं करवाया, अब तक शुद्धिकरण नहीं करवाया। तो मैं बता दूं आपको, आज जो है वे सारे काम हो जाएंगे जो आप बोल रहे थे, क्योंकि आज ये 21 दिन की हो गई है। 21 दिन की हमारे यहाँ पे होम होती है, जो परंपराएं चली आ रही है पहले से ही, तो वो भी आज होगी, और हवन भी होगा और होम भी होगी। और सभी के कपड़े वगैरह निकाले जाएंगे, परिवार वालों के, ताऊ चाचा जी के, बबली दीदी, बोबी दीदी, सबके आज के कपड़े निकाले जाएंगे। और बबली दीदी, बोबी दीदी के कपड़े जो है वो दिवाली पर जाएंगे भैया दोज में, भैया दोज के अलग से जाएंगे। और जो यहाँ पे वे आई थी केक इसमें हुए में, तो वे जो कपड़े हैं उनके पेंडिंग है अभी, वे बोल रही थी भाई वहीं पे आ जाना, हम तो अपनी अपनी पसंद के लेंगे। तो हमने बोल दिया था कि वहीं पर आ जाएंगे, और अपनी अपनी पसंद के जिसको जो कपड़े लेने हैं रेडीमेड, तो वो ले सकता है अपनी मर्जी से, चाहे वो कितने का भी हो। दोनों को छूट दी गई है, दोनों जितने पे हाथ रख देंगे उतने पे ही उनको दिलवाने हैं। मैंने उनको बोल दिया था पहले ही कि आपको जो कपड़े चाहिए, जिज्जा जी को भी, बबली दीदी को भी, और बच्चों को भी, सबके रेडीमेड कपड़े हो गए टोटली, जिसको जो पसंद है वो ले सकता है। और अर्णिका अब आराम कर रही है पापा की गोद में,
और पापा बहुत ही छोटा पंखा रखते हैं अपना, ये वाला, इससे थोड़ी 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 हवा भी करते रहते हैं। और लेटी हुई है, फैन तो रखा हुआ है मगर ये बहुत तेज चलता है, इसे चलाते नहीं है ज्यादातर। और चलिए चलते हैं ऊपर। और हवन जो है हो चुका है, अग्नि परवाह हो रही और नन्ही सी गुड़िया हमारी सो चुकी है फिर से। गर्मी लग रही थी, इसको टोपा इसने उतार दिया था। और ये देखिए स्माइल, सोती सोती के चेहरे पे स्माइल। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, हवन हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं, मिलते हैं। मैं कद्दड़ जुबाई ले रहा, निन्नी आ रही दूध पी के, निन्नी आ रही पूरी 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 निन्नी आ रही भाई जकत को। हाय ये पैक कर रखा आज तो बिल्कुल अगदड़। अरनिका, अरे पापा बुला रहे, क्या कह रहे, खड़े हो जाओ, सुबह हो गई है भाई, चलो जल्दी से, बहुत सारे काम निपटाने हैं, फिर पापा को खेत में जाना है और पापा मुझे तो सोना है दूध पीना है और सोना है। हैं, सो जा बेटे, सो जा, हम ले जाएंगे। और जो है आ जाइए अर्णिका की ताई, अच्छा। इसको खिलाने के लिए है, और अर्णिका इनकी गोद में आते ही उठ गई है, ठीक है भाई, उठ गए, मॉर्निंग हो गई। और ये है इनकी ताई जी, सगी ताई जी है, उठ गया, उठ गई, हाँ खोल दी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आया था शाम का टाइम हुआ और अभी जो है पानी चला हुआ था खेतों में, तो पानी देखने के लिए आया था। जो नाली है हमारी वो चल रही है, पीछे आप देख सकते हैं। और इस वाले क्यारे में 2 दिन हो चुका है पानी चल ही रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रबजा है एक छोटा सा, और उससे पानी आता है, जो सिंचाई का माध्यम है हमारे यहाँ पे वही है। हमारे यहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह नहीं है हमारी, और किसी की तो है मगर किराए पे चलाना पड़ता है, वो फ्री का होता है पानी। और ये देखिए पानी भरा हुआ है इस वाले में, और इस वाले क्यारे में घास काटता ही हूँ, बाइक मेरी वहाँ पे खड़ी हुई है और पापा भी आए हुए हैं साथ में, तो उन्हें भी देखते हैं, वे वहीं पे बैठे हुए हैं। मैंने बोला था उनको कि आप बैठ जाओ, मैं देख के आता हूँ। और खेत काफ़ी अच्छे खड़े हैं, हरियाली जो है बहुत ही अच्छी है। सुबह शाम में चक्कर लग जाता है खेत में कभी कभी शाम में, वरना तो सुबह आना होता है। और ये रह गया है बस थोड़ा सा चारा, 1-2 दिन में ये भी कट जाएगा, वरना इस साइड में क्लीन हो चुका है खेत, देखिए
बैठकर अपने हाथों से खुद सफाई कर रहा हूँ अपने खेत की, और काफी अच्छा भी है, पशुओं के लिए चारा भी हो जाता है और खेत भी साफ हो जाएगा। और अब जो है पापा के पास चलते हैं, देखते हैं। और सूर्य जो है वो छिप चुका है, थोड़ा सा ही रह गया है, नहीं छिप चुका है, थोड़ा सा भी नहीं, ओनली रेड रेड चमक रहा है पीछे पीछे, रेड रेड चमक रहा है बस हल्का सा। ये देखिए इस साइड में जो है छिप चुका है सूर्य। तो चलिए चलते हैं अब पापा जी के पास। देखिए यहाँ से चलाते हैं पानी, जो ये रबझा गया हुआ है पीछे, इस पे बल्ली लगाई हुई है और थोड़ा बहुत अड़ाया लगा के, यानी कि पन्नी वन्नी लगा के, पल्ली वल्ली लगा के, तो यहाँ से पानी चला लेते हैं। बम्बा लगाया हुआ है इस साइड में, और इस साइड में पीछे आप देख रहे हैं वो पानी आ रहा है, और इस साइड में पीछे मेरे फूल भी खड़े हैं काफ़ी अच्छे, बहुत ही अच्छा लगता है। प्रकृति जो है जगह जगह अपना करिश्मा, ये देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है और उस साइड में, उस साइड से होकर जा रहा है, नाली गई हुई है, पापा जी गए हुए हैं अब उस साइड में, और वो हमारा ही खेत खड़ा हुआ है, वो गन्ने की जो फसल है पीछे आप देख रहे हैं वो हमारी ही है, उसी में पानी चलेगा। अब उस साइड में तीनों क्यारे भर चुके हैं और इस साइड में भरने बाकी है, ये एक छोटी सी पटड़ी है रब जाएगी किनारे किनारे, ये जाती है आपकी सामली वाली नहर के में टच होती है, ये जो है वहाँ से ही आया हुआ है पानी। और देखिए ये जुगाड़बाजी है बस, एक तरह से चलता रहता है ऐसा ही काम। पीछे मेरे जो है किसी और की फसल लगी हुई है, धान की, काफ़ी अच्छी खड़ी है और हल्का हल्का पीला रंग भी आ गया है उस पर, यानी कि पक गई है फसल, तैयार है कटने के लिए। इस साइड से पानी कुछ आगे भी जाने देते हैं, ऐसा नहीं कि सभी का रोक ले, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा बम्बा लगा हुआ है इस साइड से, इस साइड में आता रहता है। ये देखिए पानी आ रहा है, एक ट्वेल जितना काफ़ी है, और ये चल रही है नाली, खाल भी बोलते हैं हमारे यहाँ नाली भी, और ये जा रही है वहाँ तक ही परे तक, उस साइड तक, इसी से पानी चलता है। और पापा जी भी आ गए हैं।